हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन, आपके सामने ग्रीन बोर्ड पे है। हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, या ये कह लीजिए हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट करना है। और ये क्वेश्चन बेसिकली बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इस्तेमाल करेंगे, और बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कहीं हम लोग बेसिक भी इस्तेमाल करेंगे, बेसिक डिफिनीशन ऑफ बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। और यह जो सेशन है लेक्चर 22 है बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड। बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग वीडियोस हों चाहे शॉर्ट्स वीडियो हों उनको हमने दो जगह रखा है प्लेलिस्ट में। एक हमने टाइटल डाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके, और दूसरा हमने डाला है बीटा एंड गामा फंक्शंस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां से आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स भी बना सकते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है बीएससी, एमएससी, बीटेक, बी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या इंस्टीट्यूशन में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और आज का जो क्वेश्चन है वो भी बेहतरीन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी वीडियो लेक्चर बने रहेंगे, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो एक लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि अच्छे से आपका जो है फ्रेम पकड़ रहा है कि नहीं, जो ग्रीन बोर्ड है वो कैमरा के फ्रेम में है कि नहीं। तो बिल्कुल है, हमने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है, तो ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन सामने है, और मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं पहले इसे कुछ मान लेता हूं, और इसे मैं आई मानने वाला हूं। तो आई 0 to infinity, और आपका एक्स डी एक्स अपॉन 1 + x^6, ये है हमारे पास क्वेश्चन। बिल्कुल कनेक्टेड है, थोड़ा सा भी कट नहीं रहा है, मैं वही थोड़ा देख रहा था कहीं कट तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। ओके, मान लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट है। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने वाला हूं। एक्चुअली इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है आपका, बाय पार्ट्स है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट इस्तेमाल करके है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि x^6 को मैं लेने वाला हूं, y मान लीजिए या मान लीजिए कि t मैं लेने वाला हूं, ठीक। तो ऐसा करने से हमें देखिए x क्या मिलेगा, x हमें मिल जाएगा t^1/6 मिल जाएगा। अब क्या करना है कि आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, दोनों साइड करना है, तो आपको क्या मिलेगा dx = 1/6, और ये देखिए हमारे पास वेरिएबल t है, तो t^1/6 - 1 जो कि आपका -5/6 हो जाएगा, और ये इंटू dt हो जाएगा। तो dx के जगह पे हम लोग रखेंगे इस रिजल्ट को, ठीक, 1/6 t^-5/6, और ये dt रखेंगे इन प्लेस ऑफ dx। जरा लिमिट चेक कर लिया जाए, क्योंकि इसमें x जो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हम लोग x^6 को t लिख रहे हैं, तो नया जो हमारे पास इंटीग्रल होगा उसमें कहीं भी x नहीं दिखेगा, हमें t दिखाई देगा, तो हमें t की लिमिट भी चाहिए। सबसे पहले तो इसको लिख ही लेता हूं, 0 to infinity होगा। देखिए x का लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, 0^6 तो 0 ही आ जाएगा, अपर इंफिनिटी है, इंफिनिटी^6 तो इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, अच्छा, एक्स के जगह पे हमें क्या रखना है, हमें रखना है t^1/6 रखना है, यहां से देख लीजिए
अपॉन 1 plus t। x का पावर 6 क्या लिए, t लिए, यहां पे है, यही से हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है। dx के जगह पे क्या रखेंगे, तो 1 upon 6 t का पावर -5/6 और ये dt। ठीक, 1 upon 6 कांस्टेंट है, आप इसे क्या करिए, इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लीजिए, एक बार देख ले, फोकस सही है ना? हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और 0 to infinity टी का पावर 1 upon 6 टी का पावर -5/6 बेस सेम है, तो बाई लॉ ऑफ इंडाइसिस हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x का पावर m है इंटू x का पावर n अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहां भी कुछ वही करने वाले हैं हम लोग, यहां पर t का पावर 1 upon 6 t का पावर -5/6 1 upon 6 -5/6 लाइक फ्रैक्शन है, 1 minus 5 -4, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा t का पावर -4/6 मिल जाएगा। ठीक, और नीचे आपका हो जाएगा 1 plus t हो जाएगा एज इट इज, और ये dt। -4/6 कैसे है समझ में आ गया, 1/6 -5/6 तो आपका आ जाएगा -4/6, और ये आपका हो जाएगा 1/6 0 to infinity t पावर -2/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा अपॉन 1 plus t और ये dt। अब देखिए बीटा फंक्शन का जो बेसिक डिफिनेशन है ये है, बीटा mn इक्वल टू 0 to 1 x पावर m -1 इंटू 1 minus x पावर n -1 और ये dx होता है। ठीक, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास x है, यहां पे ये आप y में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान ये देना है कि x का पावर m माइनस वन होगा, 1 minus x का पावर m माइनस वन होगा, तो बीटा m लिखेंगे। और बीटा फंक्शन का यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है जिसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 0 to infinity x का पावर m माइनस वन अपॉन 1 plus x पावर m प्लस n, ये भी आपका बीटा m होता है और सिमेट्रिक भी होता है बीटा फंक्शन। तो कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार देख लूं, मैं जो नीचे लिखने जा रहा हूं वो आपका कैमरे के फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो 0 to infinity x पावर n माइनस वन अपॉन 1 plus x पावर m प्लस एन, और हाँ यहां पे dx रहेगा और ये आपका dx है। ओके, तो अगर ये फॉर्म हो ये फॉर्म हो, इन दोनों से ये पता चलता है कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है m और n में। देखिए m के जगह पे n है और m प्लस n करिए या n प्लस m कई बात देखिए, तो चाहे ये रहे ये रहे ये रहे हम लिखेंगे बीटा m लिखेंगे। तो जरा देखिए, उस फॉर्मेट का तो नहीं है लेकिन हमें बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, हमें x का पावर m माइनस वन चाहिए, यहां क्या है -2/3 है, तो हम ऐसा करते हैं कि m माइनस वन को मैं लिख देता हूं -2/3, मैं इसी को मान लेता हूं कि m माइनस वन है। अब यहां से हम m निकाल लें तो 1 minus 2/3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि t का पावर जो आपका -2/3 है उसे आप लिख लीजिए 1/3 और ये -1, 1/3 -1 करेंगे तो -2/3 आ जाएगा, क्योंकि ये कंपेयर करने के लिए x का पावर क्या है -1 है, डिवाइडेड बाई 1 plus t का पावर क्या है, इसका पावर कुछ नहीं दिया है मतलब ये पावर 1 है, कुछ नहीं दिया है पावर, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि पावर आपका 1 है। तो m तो मिल गया, इसे आप
एम कर लीजिए या एन कर लीजिए, बात एक ही है। तो अगर मैं 1/3 को मैं अगर एम मानता हूं तो इसमें कितना ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, एम हमें मिल गया 1/3 और ये प्लस एन इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो एन की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहां से निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 - 1/3 जो कि आपका आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो एन निकल गया, ठीक है ना। एक बार चेक करते रहें कि जो भी मैं लिख रहा हूं वे सभी कैमरे के फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 और ये प्लस आपका 2/3, इसको मैं फिर से लिख देता हूं साफ साफ, 2/3 और ये 3 और यहां है आपका 1/3 है ये 1/3 और ये आपका प्लस 2/3। अब ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कंपेयर करने पे कि m है आपका 1/3, n है आपका 2/3, तो इसको आप क्या लिखेंगे, बीटा एम लिखेंगे। तो इस तरीके से सो सॉरी फ्रेंड्स, अब देखिए बीटा एम एन, एम आपका है 1/3, एन है आपका 2/3, ये आ गया। अब देखिए एक रिजल्ट और भी होता है, वो रिजल्ट क्या है, बीटा एम एन इक्वल टू एक रिजल्ट आपका होता है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 1/6, एम के जगह पे 1/3, एन के जगह पे 2/3, तो आप इसे लिखेंगे 1/3 इंटू, मैं यहां जगह छोड़ देता हूं किसी कारणवश, और ये मैं लिख दिया 2/3 डिवाइडेड बाई गामा, गामा 1/3 प्लस 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हाँ लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, जगह हमने बेकार छोड़ दिया, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये होगा गामा 2/3, गैप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गामा 1/3 इंटू गामा 2/3 इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा बताते हैं, देखिए 2π का मैं केवल इसके लिए बता रहा हूं, गामा 1/3 इंटू गामा 2/3 इस रिजल्ट पे एक शॉर्ट भी बना हुआ है, तो देखिए 2π पावर क्या होगा, यहां लास्ट क्या है 2 है, 2 मतलब 2/2 तो आपका 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई गामा, ये रूट एन होता है, एन की जगह पे क्या है 3 है, तो ये आपका रूट 3 हो जाएगा, केवल इसके लिए हमने लिखा है ये। अब जरा देखिए ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया π/√3 मिल गया, π/√3 यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए एक्चुअली यहां पे हम कौन सा रिजल्ट अप्लाई किए हैं, जरा मैं लिख के आपको बता देता हूं यहां पे हमने क्या रिजल्ट यहां पे यूज किया है। देखिए एक रिजल्ट होता है गामा 1/n इंटू गामा 2/n, जरा देखूं कैमरे के फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर ले, हाँ आ रहा है, इंटू गामा 3/n, ऐसे ही ये बढ़ेगा और लास्ट में यहां पे आ जाएगा n-1 गामा n-1 अपॉन n। तो अगर इस टाइप का फॉर्मेट अगर है, ये देखिए हर जगह प्रोडक्ट है और ये ऐसे ही कंटिन्यूड है, गामा 3/n, गामा 4/n, गामा 5/n, लास्ट में गामा n-1, तो अगर इस टाइप का फॉर्मेट है, यहां देखिए 1/3 2/3 ये पहले दो है, पहले दो क्वांटिटीज है, एन के जगह पे क्या है 3 है यहां, तो अगर इस टाइप से रिजल्ट होता है तो हम लिखते हैं 2π/(n-1)/2 लिखते हैं और डिवाइडेड बाई √n लिखते हैं। अब कंपेयर कर लीजिए,
एंड के जगह पे क्या है, थ्री है ना, और लास्ट में कितना है, लास्ट में यहाँ पे टू है, दो ही तो प्रोडक्ट ही है, तो टू पाई पावर क्या करेंगे, टू अपॉन टू एन माइनस वन अपॉन टू है ना, तो लास्ट में क्या है टू है, तो टू अपॉन टू वन हो जाएगा, तो मैं वन लिखा हूं डायरेक्ट, अपॉन रूट एन, एन के जगह पे क्या है थ्री है, हमने थ्री लिखा है, सिक्स जो है टू से कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से मिल गया पाई अपॉन थ्री रूट थ्री, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूं स्टार्टिंग में ही कि इस टाइप के क्वेश्चन प्रूफ डाइट में भी पूछे जा सकते हैं, या तो फिर आपका ये क्वेश्चन दिया रहेगा आपको इवेल्युएट करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है, हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।